में आज अपन डिस्कस करेंगे कॉन एंड वाट्स। कॉन्स मीन्स क्या होते हैं। कॉन्स एक पॉपुलर पेनफुल लेसन है, ठीक है, पेनफुल कंडीशन है जो कि प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट पे, जो हमारा फुट है उसका जो प्लांटर एस्पेक्ट है, प्लांटर सरफेस है वहाँ पे, यानी कि हमारा जो सोल ऑफ फुट है वहाँ पे पेनफुल लेसन देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन। इट अफेक्ट द प्लांटर सरफेस ऑफ द टोज एंड सोल ऑफ द फिट। कॉन डेवलप ड्यू टू द इंटरमीडिएट प्रेशर ओवर अ लिमिटेड एरिया, मतलब कि रुक रुक के प्रेशर बना रहता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे, लगातार प्रेशर बना रहता है, प्रेशर बना रहा फिर उसमें नहीं रहा फिर और प्रेशर, तो इंटरमीडिएट कंडीशन में की वजह से होता है। बेसिकली इट इज़ लोकलाइज रहता है ना। हाइपर क्रिएटिनाइजेशन यानी क्रिएटिन डिपोजिशन होने लगेगा स्किन में और हार्ड हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल कॉर्न जो है हार्ड हो जाएंगे। अब कौन जो इसका कॉर्न जो है वो कौन सेप के होते हैं, इसलिए कौन से पेड लीजन होते हैं और इस ये पेनफुल होते हैं, ठीक है, टच करेंगे तो पेन होगा इनमें। हार्ड कॉन्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द हार्ड कॉन्स रहते हैं, कभी कभी ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, टोस के बीच में, उंगलियों के बीच में जो है सॉफ्ट कॉर्न होते हैं, मोस्टली तो ये हार्ड रहते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर कॉर्न को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंस यानी उसके जो क्या आ जाएंगे, उसके परिणाम और दुष्परिणाम जो आने वाले हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे वो हो सकते हैं अगर ट्रीट नहीं किया सही तरीके से तो। और सेंसेशन एंड पल्सेशन हैव टू बी चेक टू इन दोज पेशेंट, मतलब कि डायबिटिक वाले पेशेंट में अपन को सेंसेशन पल्सेशन चेक करना पड़ेगा। अच्छा, सिम्टोमेटिक कॉर्न जो है उनको क्या करोगे, एक्सीज कर दो, मतलब उसको एक्सीजन लगा दो। एक्सीजन ऑफ गुड कॉर्न सेपरेट टिश्यू इज नेसेसरी फॉर परमानेंट क्योर, मतलब कि कॉर्न सेपरेट इंसीजन लगाना है, पूरा उसको निकाल देना है, ठीक है, नहीं तो रीअकरेंस हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। अच्छा, वॉट्स क्या होते हैं, तो वॉट इज़ अ रफ एक्जर्शन ऑन द स्किन, तो रफ, ठीक है, पेपिलोमा वायरस की वजह से वॉट्स होते हैं, ठीक है, ये पिगमेंटेड केराटिनाइज रेगुलर लेजन होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, कहीं ब्लैक होते हैं, ब्लू होते हैं, है ना, इस तरीके से केराटिनाइजेशन, केराटिन डिपोजिशन होगा यहाँ पे, केराटिन मटेरियल और इरेगुलर लेजन रहेंगे, ये यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर होते हैं। उसकी कॉमन साइट क्या है वॉट्स की, फिंगर, जेनिटेलिया, बियर्ड वाला एरिया है ना, दाढ़ी वाला एरिया, उंगलियों के बीच में, जेनिटल्स, फीट यहाँ पे होते हैं। अच्छा, एक होता है वॉट्स और एक होता है वेनेरल वॉट, तो वेनेरल वॉट कौन सा है, जो कि पेपिलोमा एक्यूमिनेटा की वजह से होते हैं, पेपिलोमा एक्यूमिनेटा की वजह से होते हैं वेनेरल वॉट, ये एनस वाले रीजन में, पेरिनियम वाले रीजन में होते हैं, पेनिस कोरोनल सल्कस ऑफ द पेनिस में होते हैं। और इसमें क्या, सम ऑफ द वॉट में रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली, फ्लग्रेशन विद डाइथर्मी इज द ट्रीटमेंट, इसमें फ्लग्रेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हुआ वॉट्स एंड कॉर्न।